Hi everyone, welcome back to my channel Grooming with Dimpy and here I am in Kerala और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है वीडियोस डालने में, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, पर अब कोई भी मैं कोई भी वीडियोस को लेट नहीं करूँगी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आईलाइनर्स का और मैं रिव्यू करने वाली हूँ रेशमी के आईलाइनर्स और उनके कुछ इस तरीके की बॉटल है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बट आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट माई एनी वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर आई एम हैविंग फोर आईलाइनर्स विद मी एज यू कैन सी और इनका फोर का पैक आया था जिसमें आपके पास मिलेंगे आपको ब्राउन, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। सो ये चार आईलाइनर आपको मिलेंगे एक ही कॉम्बो पैक में और मुझे इसका प्राइस अभी याद नहीं है बट मैं उसका प्राइस स्क्रीन पे डाल दूंगी तो आप लोगों को इधर कहीं इसका प्राइस मिल जाएगा। और इनकी रिव्यूइंग मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, चारों आईलाइनर्स दे आर जस्ट सुपर्ब। इनके कलर्स आप लोग देख सकते हैं, एज यू कैन सी द कलर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। सो मैं इनके स्वॉचेस दिखाऊंगी आपको, हैंड स्वॉचेस दिखाऊंगी और उसके बाद में इसका वाटर प्रूफिंग का और इसका स्मच प्रूफिंग का टेस्ट हम लोग करेंगे। सो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ सबसे पहले ग्रीन आईलाइनर और यहाँ पे जो इसका जो ब्रश है, जो एप्लीकेटर है वो आप देख सकते हैं, एक पतली स्लीक सा ब्रश दे रखा है इन्होंने, कोई स्पॉन्ज काइंड ऑफ थिंग नहीं है, यहाँ पे स्लीक सा इन्होंने ब्रश दे रखा है एज यू कैन सी। मैं इसका हैंड स्वॉच आप लोगों को दिखा देती हूँ, एज यू कैन सी लुक एट द कलर गाइज, इट जस्ट सो गुड, लुक एट द कलर, इट्स परफेक्टली ग्रीन कलर। सो आप कोई भी ग्रीन कलर का ड्रेस पहनते हैं, इवन दो अगर आप लाइट ग्रीन कलर का भी ड्रेस पहनेंगे ना और इस लाइनर को लगाएंगे तो भी ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड नाउ आई एम गोना टेक द ब्राउन। पहले मैं इसकी कंपनी के बारे में बता देती हूँ, ये रेस्मे कंपनी का है और इसमें लिखा हुआ है वाटर प्रूफ आईलाइनर है और इसका जो प्रोडक्ट का जो वेट है और इसमें जितना प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें है आपका प्रोडक्ट 5 ml का जो कि इनफ होता है, तो अगर किसी अमाउंट में आपको ये चार लाइनर मिल रहे हैं तो आप लोग इसको ज़रूर ले सकते हैं, आप इस तरीके का लाइनर ज़रूर लें। और दिस इज़ द ब्राउन कलर, लुक एट द कलर गाइज, जस्ट लुक एट द कलर, I'm not gonna say anything, but just look at the color. The color are superb. जो green color था वो भी बहुत खूबसूरत है and this brown color is also very beautiful. Now I'm gonna take blue color. Now I'm gonna show you the swatch of this blue color and this is the swatch of this blue color. Just look at the color. And last but not the least, I am going to show the texture and the color of this black. मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इस ब्लैक के साथ ये पूरा प्रॉपर ब्लैक नहीं है, इसके साथ हल्का सा एक सिल्वरी लुक भी आ रहा है अगर आप लोगों को बॉटल में यहाँ पे नजर आ रहा होगा तो। और मैं आप लोगों को इसका स्वॉच करके दिखा देती हूँ तो आप लोगों को तब उससे पता लग जाएगा। सो हेयर इज द स्वॉच ऑफ दिस ब्लैक लाइनर। ओके सो आई वॉज राइट, इस ब्लैक लाइनर में आपका हल्का सा सिल्वरी टोन दे रखा है। सो दिस इज व्हाट द ब्लैक कलर इज एज यू कैन सी और ये चारों के चारों स्वॉचेस हैं और अभी आई एम गोना वेट फॉर 2-3 मिनट्स, उसके बाद ये ड्राई आउट हो जाएगा तो मैं इसका स्मच का टेस्ट भी करूंगी और वाटर प्रूफिंग का टेस्ट भी करूंगी। सो स्टे ट्यून विद मी। So guys, I have wait for 2-3 minutes and now it's completely dry as you can see. So now I'm gonna rub my finger over this. So as you can see, so there is no smudging. कोई भी इसकी smudging नहीं हो रही है. So पहला टेस्ट ये पास कर चुका है अच्छी तरीके से। नाउ आई एम हैविंग कॉटन विद मी एज यू कैन सी, जो कि मैं हर बार टेस्ट में ये चीज़ यूज करती हूँ। So as you can see, water in the cotton. So water hai and I'm gonna dab it over this like this as you can see. Okay. So I'm gonna tell you ki isme agar hum pani dalenge sirf, is tarike se pani dal rahe hain, to ye smudge nahi hoga. But agar aap log isko lagane ke baad isko aap acche se smudge karenge
और बहुत ही वाटर डालने के बाद अच्छे से इसको रगड़ेंगे तो ये ऑफ कोर्स ये चले जाएगा, क्योंकि हर एक लाइनर ऐसे ही होता है, क्योंकि आप इसके ऊपर वाटर डालते हैं ना लाइक दिस, देखिए मैंने वाटर डाला है तो ये कहीं भी रन नहीं कर रहा है, बट इफ आई डू लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, सो ये अच्छी तरीके से रब हो जाएगा। सो ये आपका दोनों टेस्ट मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूं, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि अरे इसको तो रगड़ा तो ये तो रब हो गया है। वाटर अगर हम डालेंगे सिर्फ तो ये नहीं निकलेगा, बट इफ अगर आप वाटर डालने के बाद इसको रगड़ोगे, सपोज आप लोग अपना फेस को वॉश कर रहे हो, और फेस को वॉश करने के बाद अगर आप लोग अपने फेस को किसी ताल से पोंछते हो, तो क्या होगा कि आप अगर इसको रगड़ के पोंछते हो तो ऑफ कोर्स ये निकलेगा, कोई भी लाइनर निकलेगा। बट अगर आप लोग इसको डैप डैप करके अगर अपने फेस को ड्राई आउट करते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। सो आई एम तो जस्ट गिविंग अ थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट, और आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, एंड हर चीज का अपडेट, किसी भी वीडियो कुछ भी अपलोड करने वाले होती हूँ मैं, तो उसका अपडेट आपका इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आ जाता है, तो इफ यू वांट टू फॉलो मी ओवर देयर, सो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। और अगर आप लोगों ने मेरे और भी वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज गो टू माई चैनल, चेकआउट द वीडियोज, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। सो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर या फिर क्लोथिंग हॉल लेकर। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।